तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे शेरनी मूवी ट्रेलर के बारे में, जो 18 जून को अमेजोन के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। और इस मूवी के अंदर मेन कास्ट में आपको नजर आएंगी विद्या बालन, उनके साथ विजय राज, विजेंद्र काला, नीरज काबी और शरद सक्सेना और भी बाकी अन्य कलाकार। इस मूवी के अंदर जो विद्या बालन है वो फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में नजर आने वाली है, जिनको एक गाँव में भेजा जाता है जहाँ पर एक टाइगर का ज्यादा खौफ है। वहां पर लोगों को वो मार रहे हैं। अब इसके चलते वहां पर ज्यादा गर्मा गर्मी हो गई है, लोग चाहते हैं कि उस टाइगर को यहां से दूर निकाला जाए। अब यहां पर एक चीज जो सामने निकल कर आई इस ट्रेलर के अंदर कि कुछ लोग जो हैं कि वो इस टाइगर को बचाना चाहते हैं, लेकिन लोगों का भी अपना एक कंसर्न है, उनकी भी एक चिंता है कि यार हम अपनी जान को कैसे बचाएंगे, अपने पशुओं की जान कैसे बचाएंगे। तो एक तरीके से इन दोनों का कंसर्न इसके अंदर दिखाया गया है। इसमें एक डायलॉग जो है, एक बात कहते हुए नजर आते हैं विजयराज की, यहां के जो लोग हैं वो डिपेंडेंट है जंगलों के ऊपर, तो यानी वो इस जंगल को छोड़कर चले कैसे जाएं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब ये मूवी आएगी तो इसके अंदर इनका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा। जब ये ट्रेलर स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में तो काफी ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगा, थोड़े बहुत उसके अंदर कॉमेडी आई। एक होता है ना कि हाँ, जब इसका टीजर आया था तब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि हाँ इसका ट्रेलर आएगा तो ट्रेलर में अच्छे से कहानी के बारे में पता चलेगा। लेकिन जब ट्रेलर आया शुरुआत में तो थोड़ा बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाद में यार वो डल सा हो गया। उसके अंदर इतना कुछ ज्यादा शो नहीं हो रहा था या फिर इतना कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं बना पा रहे थे, तो लग रहा था यार ये क्या चल रहा है यार इसके अंदर। तो ओवरऑल ट्रेलर की बात करूं तो देखो यार, ट्रेलर मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि यार इसके अंदर जिस तरीके से एक बार हाइप क्रिएट होती है फिर एकदम से नीचे आ जाता है ट्रेलर में, इतनी कोई प्लेन सी चीज चलती है, कोई ज्यादा कुछ इसके अंदर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। अब यहां पर खैर मैं प्रेडिक्ट नहीं करूंगा कि भी हाँ इसके अंदर ये वाली स्टोरी होने वाली है या फिर ये वाली नहीं होगी, जो होगा जब ये मूवी आएगी तभी इसके बारे में वहां बात कर लेंगे। हाँ ये कह सकते हैं कि यार मूवी की कहानी को लेकर जो इसके अंदर इतना ज्यादा नहीं दिखाया ट्रेलर में उसके बारे में ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन जो इसके अंदर जो कास्ट वो काफी ज्यादा बेहतरीन है, बहुत बढ़िया बढ़िया कलाकार है। तो एक तरीके से ये तो पक्का है कि इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बढ़िया जाने वाली है। खैर अगर आप लोगों ने ये ट्रेलर देखा है तो आपकी क्या राय है तो प्लीज कमेंट करना, मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं आया। अब इसको लेकर हेट मत कर देना। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।